हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। सो फाइनली आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा, पूरी वर्ल्ड वाइड बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की मार्केट लगभग साइडवेज में चल रही है। ऐसे में चलते बहुत सारी ऐसी न्यूज और अपडेट्स निकल करके आ रही हैं जो कि हम सभी, आप सभी जितने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं, उनके लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट न्यूज निकल करके आई है वो बाइनेंस टू असिस्ट कंबोडिया इन डेवलपिंग डिजिटल एसेट रेगुलेशंस। सिंपल सा मतलब इसका यह हुआ, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आप सभी लोगों ने एक चीज बहुत अच्छे से नोटिस किया होगा, पूरी दुनिया की जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट कर रही हैं। बहुत सारी ऐसी भी गवर्नमेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर रेगुलेशंस लगा दिए हैं। तो यहां पर जो न्यूज निकल करके आई है वो ये है कि जो बाइनेंस एक्सचेंज है, आप सभी लोगों को पता है कि वर्ल्ड का टॉप लीडिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है और इसकी पार्टनरशिप बहुत सारे कंट्रियों के साथ में ऑलरेडी हो चुकी है, बहुत सारे एग्रीमेंट्स हो चुके हैं। जैसे हम यहां पर बात कर लें, जो कजाकिस्तान की गवर्नमेंट है उसके साथ में एग्रीमेंट हुआ है, जो दुबई की गवर्नमेंट है उसके साथ में यहां पे पार्टनरशिप हुआ है, उसके बाद में बरमूडा से भी इसका एग्रीमेंट हुआ है, पार्टनरशिप हुआ है। किस लिए? जितने भी डिजिटल असेट्स होते हैं, कहने का मतलब बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, इनके ऊपर किस तरीके से प्रॉपर रूल और रेगुलेशंस लगाए जाए, प्रॉपर डिस्कशंस के लिए यहां पर बाइनेंस के साथ में एग्रीमेंट और पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो ऐसे में चलते जो न्यूज निकल करके आई वो ये है कि बाइनेंस एक्सचेंज यहां पे क्या करने जा रहा है, कंबोडिया से यहां पे पार्टनरशिप कर रहा है, एग्रीमेंट कर रहा है। किस लिए? डिजिटल असेट जो भी डेवलपिंग हो रही है उसके लिए रेगुलेशंस करने के लिए। तो आप लोग खुद सोचिए कि वर्ल्ड का टॉप लीडिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस, पूरी दुनिया की बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट्स हैं जिनके साथ में एग्रीमेंट कर रहा है, पार्टनरशिप कर रहा है, उनको रिसर्च स्टडी और समझाने की कोशिश कर रहा है किस तरीके से प्रॉपर रूल और रेगुलेशंस लगने चाहिए और किस तरीके से यूजर्स का प्रोटेक्शन हो सकता है। तो आप लोग सोच लीजिए कि कितना बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं बाइनेंस के जो फाउंडर हैं मिस्टर सीजेड जी, और कितना अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि हम सभी, आप सभी जितने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं उनके लिए बहुत ही जबरदस्त खुशखबरी निकल करके आई है। अब हम बात करेंगे एक बहुत बड़े टिकटॉक स्टार, हो सकता है आप लोगों ने नाम सुना है या नहीं सुना है, लेकिन जो न्यूज निकल करके आई है वो बहुत ही जबरदस्त है। खैबी लेम इनका नाम है और इनकी एज लगभग 22 ईयर है। जी हाँ, और इनके बारे में कल मैंने एक पोस्ट भी डाला था अपने ट्विटर पे, टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप स्टेटस पे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि 22 ईयर इनकी एज है। अगर हम इनके ट्विटर के फॉलोअर की बात कर लें, टेलीग्राम के फॉलोअर की बात कर लें, या फिर और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के फॉलोअर की बात कर लें, तो बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ फॉलोअर्स है। अगर यहां पर टिकटॉक फॉलोअर्स की बात कर लें तो 144 मिलियन फॉलोअर है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पूरी वर्ल्ड वाइड फेमस है ये फॉलोअर। उसके बाद में और भी बहुत सारी ऐसी चीज है जहां पे पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इन्होंने धमाका मचा के रख दिया है। तो न्यूज क्या निकल करके आई वो ये है कि खैबी लेम ने क्या किया है, नाउ द मोस्ट पॉपुलर टिकटॉक स्टार, इस समय एकदम पॉपुलर हो चुके हैं, टिकटॉक स्टार बन चुके हैं। और इनका क्या काम हुआ है, अभी बाइनेंस एक्सचेंज के साथ में पार्टनरशिप हुई है, किस लिए? इनको बना दिया गया है ब्रांड एंबेसडर। आप लोग खुद सोचिए कि सोशल मीडिया का पावर कितना ज्यादा हो रहा है। कोई भी प्लेटफॉर्म है, कहीं भी इन्फ्लुएंसर बन गए, टिकटॉकर बन गए, या फिर ट्विटर पे बन गए, या फिर यूट्यूब पे बन गए, जो भी लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ में पार्टनरशिप करते हैं। क्यों? क्योंकि एक अवेयरनेस करने के लिए, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का क्रेज फैलाने के लिए। और आप लोगों ने अभी रिसेंटली देखा होगा कि जो यहाँ पे फुटबॉल के बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं रोनाल्डो जी, इनके साथ में भी बहुत जबरदस्त पार्टनरशिप हुई बाइनेंस एक्सचेंज की, NFT के लिए, मार्केट प्लेस के लिए, उसके बाद में Web 3.0 के लिए, मेटावर्स के लिए, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के लिए। तो आने वाला टाइम जो है वो बहुत ही जबरदस्त होने वाला, क्योंकि पूरी दुनिया के जितने भी बड़े बड़े स्टार हैं वो कहीं ना कहीं यहां पर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो कि हम सभी, आप सभी जितने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी वाली बात है। अब हम चलते हैं तीसरी इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ, जो निकल करके आ रही है जर्मनी कंट्री से। आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि जर्मनी कंट्री की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज की तरफ चलते हैं, ड्यूटसे बैंक प्रेडिक्स बिटकॉइन राइजिंग टू $28,000 बाय दिस ईयर एंड। इसका मतलब क्या हुआ? ड्यूटसे बैंक
जर्मनी का सबसे बड़ा बैंक जो ड्यूची बैंक है, इसी ने यह प्रिडिक्शन किया है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को लेकर के कि आने वाले इसी साल में एंड तक बिटकॉइन का प्राइस $28,000 तक जा सकता है। मुझे तो उम्मीद नहीं है, लेकिन हाँ हो सकता है कि $28,000 चला जाए। दो चार महीने बाद सिचुएशन अगर अच्छी हो जाती है तो चला जा सकता है, लेकिन अभी बियरिश मूड चल रहा है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप लोगों का क्या पर्सनल ओपिनियन है वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बिटकॉइन इस साल $28,000 को टच कर सकता है या फिर नहीं। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की बात करते हैं जो सोलाना प्रोजेक्ट की तरफ से निकल करके आ रही है। ऑलरेडी मैंने बताया कि सोलाना प्रोजेक्ट बहुत ही जबरदस्त है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो भी आपकी कैपेसिटी है। तो जो न्यूज निकल करके आई वो ये है कि सोलाना टोकन होल्डर्स कैन नाउ अर्न स्टेकिंग रिवार्ड्स ऑन कॉइनबेस। कॉइनबेस क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अमेरिका कंट्री का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज जो कॉइनबेस है, और 2015-16 में मुझे बहुत अच्छे से याद है इस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पर सिर्फ और सिर्फ 6 क्रिप्टो करेंसीज लिस्टेड होती थी, इसके अलावा कोई भी क्रिप्टो करेंसी लिस्टेड नहीं होती थी। तो आज की डेट में बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, अपडेट हो चुकी हैं, लेकिन सबसे बड़ी खास बात यह है कि सोलाना प्रोजेक्ट को आप कॉइनबेस पर स्टेक कर सकते हैं। जितने भी यूएस के कस्टमर, जो भी फॉरेन कंट्री के यूजर्स हैं, वो लोग यहां पे स्टेकिंग कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आप लोग बहुत ही अच्छा खासा रिवॉर्ड पा सकते हैं, जो कि यहां पे सोलाना यूजर्स के लिए अच्छी बात है। क्यों? रीजन ये है कि आप लोग खुद सोचिए, जितने भी सोलाना यूजर्स होंगे वो लोग कहीं ना कहीं बाई करके स्टेक पे लगाएंगे, और जब स्टेक पे लगाएंगे तो इसका मतलब बाई करेंगे, बाई करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड होगी सप्लाई फिक्स है, तो आपको पता है सप्लाई और डिमांड जो रेशियो होता है उसी की वजह से प्राइस में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा प्राइस मूवमेंट देखने को मिल सकता है। उसके बाद में एक डाटा निकल करके आया है, ऑन चैन डाटा सोज, इस एक बहुत बड़ी कंपनी है, ये क्या किए हैं अभी यहां पे रिसर्च किया है, एक डाटा निकाला है, और इनका जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि बिटकॉइन नेक्स्ट सपोर्ट रिमेन्स $16,000। इनका यह कहना है कि $16,000 पर बहुत बड़ा बिटकॉइन का सपोर्ट है, यहां तक बिटकॉइन आसानी से आ सकता है, इसके नीचे भी जाएगा, मेरा पर्सनल परसेप्शन है। और आप लोग बताइएगा हमें कमेंट करके कि क्या $16,000 बिटकॉइन आएगा या फिर नहीं आएगा। मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है इससे नीचे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि आपने देखा होगा 18,000 तक बिटकॉइन लगभग आ चुका है, 19,000 तक लगभग आ चुका है। उसके बाद में अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की बात करते हैं जो बहुत ही जबरदस्त निकल करके आई है रिप्पल क्रिप्टो करेंसी की तरफ से। जी हाँ, ऑलरेडी आप लोगों ने देखा होगा रिप्पल क्रिप्टो करेंसी में दो न्यूज में दो तीन दिनों से शेयर कर चुका हूं। तीसरी इंपॉर्टेंट जो न्यूज निकल करके आई वो ये है कि रिप्पल एक्सपैंड्स इनटू न्यूजीलैंड बाय एयर वॉलेट्स। इसका मतलब क्या हुआ? रिप्पल क्रिप्टो करेंसी आप सभी लोगों को पता है पूरी वर्ल्ड वाइड फेमस है, बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट है और ये रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे हैं, और इन्होंने क्या किया है न्यूजीलैंड में एक्सपेंड करने जा रहे हैं अपने आप को। और एयर वॉलेट्स क्या है? एक इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे है, इसके लिए इन्होंने पार्टनरशिप किया है पेमेंट को ट्रांसफर करने के लिए पूरा ग्लोबली। तो ये बहुत अच्छी बात है सभी रिप्पल क्रिप्टो करेंसी यूजर्स के लिए। क्यों बड़ी बात है? क्योंकि आप खुद सोचिए कि इनकी टीम कहीं ना कहीं वर्क कर रही है और आने वाले टाइम में प्राइस का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद में एक तो पॉजिटिव न्यूज हो गई रिप्पल क्रिप्टो करेंसी यूजर्स के लिए, दूसरी थोड़ा सा निगेटिव है, क्योंकि मैं चाहता हूं ऐसा नहीं है कि मैं पॉजिटिव न्यूज ही शेयर करूं आपके साथ, निगेटिव ना शेयर करूं, पॉजिटिव भी शेयर करूंगा, जो निगेटिव होगी वो भी शेयर करूंगा, क्योंकि आप यूजर हो, आपके लिए पॉजिटिव निगेटिव दोनों मायने रखती है, क्योंकि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो इसी न्यूज बेसिस पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो जो न्यूज निकल करके वो ये है कि रिकॉर्ड एक बना है 574 मिलियन एक्सआरपी टोकन क्या हुए हैं यहां पे मूव किए गए हैं, और 270 मिलियन शिफ्टेड बाय एनॉन वेल इन सिंगल चंक। सिंगल सिंपल सा मतलब इसका ये हुआ कि 574 मिलियन एक्सआरपी क्या हुए हैं, मूव किए गए हैं। अब ये बहुत बड़ी व्हेल का गेम है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का गेम है, इन्होंने किसी वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर किया है, हो सकता है ये सेल करने के लिए हो सकता है ये स्टेक करने के लिए हो, तो ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा, क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट में अगर कॉइन ट्रांसफर हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप सभी लोगों को अलर्ट होने की जरूरत है। तो इसलिए अगर आप रिप्पल क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं तो प्रॉपर स्टॉप लॉस का यूज आप लोग जरूर कर लीजिएगा। आज की न्यूज और अपडेट्स में इतना ही था। आज की न्यूज सबसे अच्छी कौन सी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो में अगर 1% भी नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।